अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मान के चलना ये आपका बेस है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो मान के चलना लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स में हाउ मेनी वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम बोलते थे हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, हाउ मेनी बाइनरी नंबर है 5 बिट्स, या हाउ मेनी यू कैन से बाइनरी नंबर्स आर स्टार्टिंग विद 1 एंडिंग विद 0, और इवन टीओसी में बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। तो लगभग हर एक सब्जेक्ट में कॉम्बिनेटोरिक्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घुसा हुआ है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से और बहुत आराम से इसको समझना पड़ेगा। मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा और एक एक बात, एक एक वर्ड आपको पूरे अच्छे से क्लियर करूंगा और सारे गेट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो कॉम्बिनेटोरिक्स में हमें हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मान के चलना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक पीएनसी ही है। पीएनसी खत्म होगा तो मान के चलना 80% कॉम्बिनेटोरिक्स हमारा खत्म है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है समेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज समेशन एंड द लास्ट इज रिकरेंस रिलेशंस, रिकरेंस रिलेशंस, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन हम लोग एल्गोरिदम्स में भी स्टडी करेंगे, बट एल्गोरिदम्स में हम लोग यू कैन से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालेंगे रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करके। हम लोग उसका सिर्फ अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल देते थे, जैसे ऑर्डर एन आ गया, 2n आया, 3n आया, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर एन बोल के भाग जाएंगे, है ना। तो वो वहां पे हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते, वहां पे हम लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, मतलब ऑर्डर एन स्क्वायर लाइक दिस, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालेंगे। बट यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे एग्जैक्ट आंसर निकालने की, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट स्टिल 2-3 बार क्वेश्चन आया है तो मैं इसको टॉपिक को छोड़ नहीं सकता, मेरे को इसको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आपको देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। समेशन के टॉपिक में दो आगे सब टॉपिक्स हैं, एक है बाइनोमियल समेशन। ये बाइनोमियल समेशन भाई प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा यूज होगी, और इवन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और भी मतलब मान के चलना काफी जगह इसका यूज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा आएगा जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शंस भी हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत देखेंगे, और बाकी पूरा डिटेल तो मैं आपको समेशन में समझाऊंगा। जनरेटिंग फंक्शन मान के चलना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। आप प्लीज चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें काफी बारी इस पे क्वेश्चन पुट हो रखे हैं, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी पीएनसी तो इंपॉर्टेंट है ही, और काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये महसूस होती है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा कि परम्यूटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, एंड सो ऑन, वो सब बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने अच्छे से फाइंड आउट कर रखा है। मैं आपको टोटल 9 कैटेगरीज बताऊंगा, ठीक है। 9 कैटेगरीज में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद आगे इनके अंदर फिर सब कैटेगरीज बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो टोटल 9 कैटेगरीज होंगी, और 9 कैटेगरीज के अंदर आगे कुछ कुछ सब कैटेगरीज होंगी। तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, आपको इन कैटेगरीज को पहचानना है, मतलब किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और उसके बाद आगे कौन सी सब कैटेगरी में ये लाई कर रहा है। बस एक बार आपको पहचान होगी तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी काइंड सजेशन है आप लोगों से, प्लीज कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता। अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे तो 99% चांसेस है गलत हो जाएंगे। बेटर वे क्या है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि देखो कैटेगरी पहचानने में आपको प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, और फिर आगे कौन सी सब कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आई विल सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। उनको करने के बाद आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैटेगरी पहचानो, सब कैटेगरी पहचानो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, कॉमन सेंस से मत जाना, गलती हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो बेस्ट वे आउट है ये, तो यही वे आउट में जो मैंने सोचा है मैं इसी वे आउट को फॉलो करूंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। दैट्स इट। तो सिलेबस तो छोटा सा ही आपको लग रहा होगा, 3 ही टॉपिक्स है, पीएनसी, समेशन एंड रिकरेंस रिलेशन, बट एक्चुअली काफी वास्ट है। पीएनसी बहुत ज्यादा वास्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, और मैं बार बार आपको बताता हूँ जहां पे वैरायटी आई वहां पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोफेसर को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत सारी ऑलरेडी वैरायटी है, कोई भी क्वेश्चन पिक करके आपको दे सकता है, ठीक है। तो बेस्ट वे आउट है वही, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कैटेगरी पहचान लोगे, सब कैटेगरी पहचान लोगे, और बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। कुछ भी नहीं है भाई, एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चन होते हैं ये। एक बात और याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 8-9 स्टेप आपने लगा दिए गेट में, तो आपको लग रहा है कि अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, एक्चुअली आपकी अप्रोच गलत है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथमेटिक्स का आप पीएनसी का क्वेश्चन ले, या समेशन का क्वेश्चन ले, रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन ले, कोई भी क्वेश्चन उठाएं, हर एक क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप में मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा।
इससे ज्यादा स्टेप अगर आप लगा रहे हैं दैट मीन्स आपकी अप्रोच गलत है, आपने कुछ और ही तरीका सोचा है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप में आंसर आएगा, इसलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज पढ़ाऊंगा, कैटेगरी आगे सब कैटेगरी, फॉर्मूला लगाओ, 1 या 2 स्टेप में आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा और 100% वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, गलती होने की कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, दैट इज मोर, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पीएनसी को स्टार्ट करूंगा और पीएनसी का आपको ये समझाऊंगा एग्जैक्टली ये 9 कैटेगरीज कौन सी हैं और उनकी सब कैटेगरीज कौन सी हैं और हम लोग कैसे कैटेगरी को पहचानेंगे एंड सो ऑन, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में ही करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी इंट्रोडक्शन टू पीएनसी, ओके, थैंक यू।